हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आप है एक्सेल कंप्यूटर में। फ्रेंड्स, ट्रिपल सी अक्टूबर के एग्जाम फिनिश हो चुके हैं और अब बारी है ट्रिपल सी नवंबर एग्जाम की। तो आज से नवंबर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। क्लासेस की टाइमिंग है हर शाम को आठ बजे ट्रिपल सी नवंबर एग्जाम के लिए क्लासेस चलेंगी। जिनका भी नवंबर में एग्जाम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आसानी से मैं आपकी पूरी तैयारी करा सकूं। स्टूडेंट्स, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ट्रिपल सी के सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि अगर आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप एक अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी नवंबर एग्जाम के लिए क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या ट्रिपल सी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो गई है या फिर कब से एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, इन सब के बारे में डिटेल से आपको काफी डिस्कस करके समझाएंगे और कैसे आपको ट्रिपल सी नवंबर एग्जाम की तैयारी करनी है ये सब कुछ आज की क्लास में हम बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको जूम करके दिखाते हैं, यहां पर आपके सामने ओपन है ट्रिपल सी का सिलेबस। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हो, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे ड्यूरेशन जो है आपका ये 80 आवर्स का है, ठीक है ना, 80 आवर्स का है, जहां पर थ्योरी के लिए 32 एंड प्रैक्टिकल के लिए 48 दिया गया है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये उल्टा होना चाहिए, थ्योरी के लिए 48 होना चाहिए और प्रैक्टिकल के लिए 32 होना चाहिए, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल पार्ट इंटरनेट के जैसे क्वेश्चंस हैं, है ना, तो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। अब वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ ये हम प्रैक्टिकल से नहीं जान सकते। और यहां पर दिया है दिस कोर्स कैन ऑल्सो बी ऑफर्ड एज 10 डेज फुल टाइम स्टूडेंट, ठीक है ना, 10 दिन में आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है 10 दिन में, ठीक है ना, आप 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छा एजुकेशन चाहिए तो बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हो, और ट्रिक लगा के ट्रिपल सी को सिर्फ पास करना है तो वो काम आप यहां पर कर सकते हो। एलिजिबिलिटी आप देखोगे तो कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है अप्लाई करने की, याद रखिएगा कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। आपकी अगर 8th की क्वालिफिकेशन है, क्लास 8 से नीचे भी आप हैं तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। जॉब रोल में देखोगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड सोशल मीडिया ऑपरेटर के रूप में आप ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लेने के बाद आप काम कर सकते हो। सबसे पहला चैप्टर यहां पर चैप्टर फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यहां पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंतर्गत आपको इंट्रोडक्शन पूरा कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के बारे में, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन सब के बारे में पढ़ना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यहां पर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्स और इनकी समरी और मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर, ये है फर्स्ट चैप्टर। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन सभी टॉपिक्स को काफी डिटेल में पढ़ना है तो आप चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक वहां एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप इन सभी वीडियोज को देख लीजिए। जिनका भी नवंबर में एग्जाम है वो इन सभी को डिटेल में देख लें, क्योंकि डिटेल में जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आप सभी का आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब सेकेंड चैप्टर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप है ना, यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, टास्क बार क्या है, आइकन्स एंड शॉर्टकट्स है, रनिंग एंड एप्लीकेशंस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग है, सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि माउस की राइट बटन को लेफ्ट बनाया जा सकता है या फिर नहीं, है ना, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज टू एड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर्स, एडिंग रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स,
फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक्सटेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर थर्ड चैप्टर आपका वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है ना। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत अब आपको पढ़ना है लिब्रा ऑफिस के अंतर्गत राइटर को, ठीक है ना। अब एमएस ऑफिस आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, एमएस ऑफिस में वर्ड से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। अब आपका लिब्रा ऑफिस राइटर के ही क्वेश्चन आते हैं, तो यही आपको पढ़ना है। तो चैनल को विजिट करेंगे, वहां पर लिब्रा ऑफिस के पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा लिब्रा ऑफिस में हमने फॉर्मेट मेनू तक कंप्लीट किया है, तो कल से जो क्लास चलेगी सबसे पहले लिब्रा ऑफिस का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करेंगे, और वहां पर फॉर्मेट मेनू के बाद आगे जो भी नेक्स्ट मेनू है आपकी उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्योंकि हर मेनू में जो ऑप्शंस दिए हैं उनसे सितंबर में और अक्टूबर में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो काफी डिटेल में इसको समझाना पड़ेगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपसे मिस ना हो पाए। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत टाइटल बार क्या है, मेनू बार, टूल्स बार एंड साइट्स बार है, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, ओपनिंग डॉक्यूमेंट सेव, सेव एज, है ना, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। प्रिंट प्रीव्यू है, पीडीएफ फाइल एंड सेविंग डॉक्यूमेंट एज अ पीडीएफ फाइल, है ना। तो टेक्स्ट एडिटिंग में आप देखोगे तो काफी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। फिर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में बुलेट्स वगैरह हो गया, चेंज केस हो गया, हेडर फुटर, और फिर आगे इंसर्ट करना, टेबल को ड्रा करना, इन सब के बारे में, मेल मर्ज का ऑप्शन, तो जो भी यहाँ पर दिया है ये सब कुछ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका फोर्थ चैप्टर स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट के अंतर्गत आपको एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट अर्थात कैल्क के बारे में पढ़ना है। वहां पर जो भी सेल एड्रेस का कॉन्सेप्ट है, रो एंड कॉलम के बारे में, कैसे आप डाटा इंटर कर सकते हो, टेक्स्ट इंटर, नंबर डेट, है ना, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। कैसे किसी सेल में आप मॉडिफाई कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, सेल की हाइट और विड्थ को कैसे आप चेंज कर सकते हो, फ्रीजिंग पेंस क्या है। इसके अलावा फार्मूले के अंतर्गत आपको एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, और फिर यहाँ पर सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, चार्ट में बार, पाई और लाइन, ये सब कुछ दिया गया है। लेकिन एग्जाम में इन फार्मूलों के अलावा बहुत सारे फार्मूले पूछे आते हैं, जैसे राउंड है, सेलिंग है, फ्लोर है, मॉड है, तो इन सब के बारे में डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। रेगुलर 8 बजे क्लास चलती रहेगी, तो चैनल पर बने रहिएगा, और जिनका भी एग्जाम है तैयारी करते रहिएगा। फिर है फिफ्थ चैप्टर आपका प्रेजेंटेशन। इसके अंतर्गत आपको इम्प्रेस पढ़ना है, और इम्प्रेस के साथ साथ पावर पॉइंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी आपको पढ़ाएंगे पावर पॉइंट भी, क्योंकि एग्जाम में पावर पॉइंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार भी आए और सितंबर में पूछे गए थे। यहाँ पर प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, कैसे टेम्पलेट्स का यूज करना है, कैसे यहाँ पर टेबल इंसर्ट करना है, कैसे क्लिपार्ट्स का यूज करना है, तो इन सब के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे। और यहाँ पर लास्ट में इंपॉर्टिंग है प्रिंटिंग स्लाइड्स एंड हैंगआउट्स का। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना, कि कौन सा आपका स्लाइड शो इसमें होता है, कौन सी स्लाइड होती है, कौन सा व्यू होता है, या फिर A4 साइज पेपर पे कितनी स्लाइडें प्रिंट कर सकते हैं, तो सब कुछ आपके इसके अंतर्गत आता है। फिर 6th चैप्टर है आपका सबसे खतरनाक चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। ये काफी बड़ा चैप्टर है, देखने में छोटा है लेकिन इसका जो सिलेबस है काफी इसका एरिया बड़ा है। जैसे यहाँ पर बेसिक आप कंप्यूटर नेटवर्क्स है, लैन, वैन, इन सब के बारे में, टोपोलॉजी के अंतर्गत आपको पढ़ना है काफी कुछ, और कॉन्सेप्ट इंटरनेट एंड WWW, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, URL के बारे में, IP एड्रेस के बारे में, ISP और इनका रोल क्या है, इन सब के बारे में, प्रोटोकॉल के बारे में, हॉटस्पॉट, वाईफाई, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, इन सब के बारे में पढ़ना है, IP एड्रेस, मैक एड्रेस, IMEI, इन सब के बारे में पढ़ना है, और जो पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, एज है, क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, इन सब के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद फिर इंटरनेट के बारे में जो पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं उनके बारे में काफी कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर है आपका जो 7th चैप्टर, ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग। इससे बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आए थे, ईमेल से बहुत सारे क्वेश्चन आए, आउटबॉक्स से, इनबॉक्स से, ईमेल क्लाइंट से, सेंडिंग ईमेल इस बार बहुत आया था, और रिप्लाइंग टू एन ईमेल मैसेज, फॉरवर्डिंग, इन सब के बारे में काफी कुछ क्वेश्चन आए थे। और इसके बाद यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स में क्वेश्चन आपका काफी कुछ आया, फेसबुक को पढ़ना है, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, मैसेंजर, टेलीग्राम, ब्लॉग के बारे में आपको पढ़ना होगा, बेसिक ऑफ ई कॉमर्स, नेटिक्विट्स क्या है इनके बारे में पढ़ना है, रिजर्वेशन, ई गवर्नेंस के बारे में, उमंग ऐप के बारे में, डिजिटल लॉकर के बारे में, तो इन सभी के बारे में काफी कुछ डिटेल से आपको पढ़ना होगा। उसके बाद 8th चैप्टर आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। तो इसके अंतर्गत काफी कुछ पढ़ना है,
जैसे OTP क्या है, UPI क्या है ना, QR कोड क्या है, AEPS क्या है, USSD सेवा क्या होती है, क्रेडिट कार्ड के बारे में, डेबिट कार्ड के बारे में, जो पहला क्रेडिट कार्ड किसने बनाया था, किस बैंक द्वारा लॉन्च हुआ, ई वॉलेट क्या है, POS क्या है, पॉइंट ऑफ सेल, NEFT, RTGS, IMPS के बारे में, इनकी टाइमिंग क्या है, ट्रांजेक्शन की लिमिट्स क्या है, तो सब कुछ आपको काफी डिटेल में पढ़ना होगा। फिर लास्ट चैप्टर आपका एक न्यू चैप्टर जो ऐड हुआ है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में है, बिग डाटा एनालिटिक्स है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग है, वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल एंड मोबाइल्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन है, साइबर सिक्योरिटी है, तो काफी कुछ है आपके लास्ट चैप्टर में भी। तो इस प्रकार से ये 9th चैप्टर आपके हैं, 9 चैप्टर हैं टोटल एग्जाम में, ठीक है ना। आप अगर प्रीवियस किताबें लेते हैं तो उसमें 8 चैप्टर मिलेंगे, लेकिन न्यू सिलेबस की किताब आप मार्केट में आ चुकी है। अगर आप किताब लेना चाहते हैं तो मार्केट से किताब ले सकते हैं, वहां पर आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स मिल जाएंगी, तो उससे भी आप लेकर स्टडी कर सकते हो। ये तो हो गया सिलेबस के बारे में चर्चा की कैसे आपको क्या पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है और किस में किस टॉपिक को कितना आपको समय देना है, उन सब के बारे में डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए 9 चैप्टर हैं। अगर आपको CCC एग्जाम टॉप करना है, हमेशा बात टॉप करने की करते हैं हम, पास कराना तो नॉर्मल है, ट्रिक के द्वारा भी आप पास कर सकते हो, वो सब ट्रिक भी आपको बताएंगे बाद में, लेकिन पहले बात होती है CCC टॉप करने की। तो 9 चैप्टर हैं आपके CCC एग्जाम में। तो 9 चैप्टर में क्या है कि हर एक चैप्टर का आपका कम से कम 100, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे हर चैप्टर के। कोई भी चैप्टर है, कोई भी टॉपिक है, जैसे 9 चैप्टर है, तो 9 चैप्टर से जितने भी टॉपिक्स हैं सबके आपको कम से कम 10-10, 20-20 बनाना है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग के 10 क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग के 10, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मतलब हर एक चैप्टर के आपको कम से कम 100 क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो 100 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 900 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके अलावा 900 के अलावा 100 क्वेश्चन आपको अलग से तैयार करने होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, वो सब तैयारी मैं कराऊंगा। तो आप पर डे 8 बजे क्लास लेते रहिएगा और जो भी है आप अभी से तैयारी कर दीजिए। मैं देखता हूँ कि जब एग्जाम डेट आ जाती है और एग्जाम डेट आने के बाद खासकर जब एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं तब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो और उस कंडीशन में क्या होती है कि जो भी आपने पढ़ भी रखा है वो सब कुछ भूल जाता है। तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और CCC एग्जाम ऐसा है, इसमें हर बार नए क्वेश्चन आते रहते हैं और कभी कभी एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको पहले आपने कभी देखा ही नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना है, डीपली हर एक टॉपिक को पढ़ना होगा। सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट में जो क्वेश्चन आपको पर डे मिल रहे हैं 20, 25, 50, उनसे कोई भी काम नहीं होने वाला है। सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ने होंगे अगर आपको CCC एग्जाम टॉप करना है। सिर्फ जो क्वेश्चंस पर डे आपको मिलते हैं उन क्वेश्चंस से आपको ये पता चलता है कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और उसके आधार पर आप सिर्फ एग्जाम को पास करते हो। आप चाहें कि हम एस ग्रेड और ए ग्रेड CCC मिला लें तो उसके लिए आपको डीपली स्टडी ही करनी होगी। तो डीपली स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर शाम को 8 बजे आपको यहाँ पर डीपली हर एक चीज को हम पढ़ाएंगे। इसके अलावा जब एग्जाम थोड़ा नजदीक आ जाएगा तो पर डे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। वैसे आपको क्वेश्चन की जरूरत है प्रीवियस क्वेश्चन की तो चैनल को विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां पर हर मंथ में जो CCC एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको बहुत सारी मिल जाएगी, सितंबर की, अक्टूबर की, अगस्त की। तो अगस्त से ही आप देखना स्टार्ट करिए क्योंकि उसके पहले की आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगस्त से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम हो रहा है। तो अगस्त की प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस हैं उनको आप देख डालिए, सितंबर की जो है उनको आप देख लीजिए और अक्टूबर की जो है उनको आप देख लीजिए। उसके बाद जो नवंबर की क्लास स्टार्ट है आज से, इसको आप रेगुलर हर शाम को 8 बजे देखते रहिए। तो आज के साथ में बस इतना ही। जो भी टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं होते हैं या जो भी आपको जरूरत है, आप जिस प्रकार से पढ़ाई करना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसी आपको सुविधा चाहिए, जिस प्रकार से आपको तैयारी चाहिए, जिस प्रकार की आप टाइमिंग चाहते हैं, तो उन सब के लिए आप कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज करके आप बता सकते हो, उस अकॉर्डिंग आपकी हम तैयारी कराएंगे जिससे आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आसानी से आप वीडियोस देखते रहें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और आसानी से मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।